त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन की तरफ से राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज के चूरू आगमन पर मालाएं, फूल, मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। रेहाना रियाज के राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चूरू आगमन पर उनके स्वागत में शहरवासी उमड़ पड़े। शहर में कई जगहों पर स्वागत द्वार बनाए गए, जहां पर उनका माल्यार्पण व मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मकसूद खान, युवा अध्यक्ष यूसुफ खान, अब्बास खान आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 14 फरवरी को राजस्थान राज्य महिला आयोग जिला अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती के अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद चूरू आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत अच्छा व भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसमें मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के जिला अध्यक्ष भाई बबलू खान द्वारा व हमारे समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाइयाँ खिलाकर व केक काटकर व आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित भारतीय अस्पताल के ब्लड बैंक में आज समाज सेवी सुरेश खारिया के नेतृत्व में पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं द्वारा 60 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर गणेश पारिक, विकास डांगी चंगोई, महेंद्र सहारण आदि ने रक्तदान करवाने में सहयोग प्रदान किया। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की यादगार में नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ के रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें नौजवान साथियों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। वहीं भादरा के गोगा पीर सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित अपना घर अनाथ आश्रम गोगा मेड़ी बागड़धाम में भी आज पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चीफ फाउंडर सतपाल बरोड़, मनोज गढ़वाल, सुमित बरोड़ आदि ने मोमबत्तियां जलाकर पुष्पांजलि व मौन धारण कर शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप राजल देसर रक्तवीर निशुल्क ब्लड कॉल सेंटर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ दंडी स्वामी जोगिंद्र आश्रम महाराज के कर कमलों से हुआ। महाराज ने कहा कि रक्तदान महादान है, जीवन में संकल्प लें कि साल में कम से कम 3 बार रक्तदान करें। इस अवसर पर शिविर संयोजक अभिषेक सोनी ने महाराज का माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के पश्चात सभी 42 रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 42 यूनिट रक्तदान हुआ और जिसमें से 2 कार्यरत सेवा में अभी फौजी हैं, वो लोग आए और उन्होंने समय निकाल के देश की रक्षा करते हुए उन्होंने रक्तदान के शिविर में भी भाग लिया और अच्छे से हमारा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सहयोगकर्ता सभी ग्रामवासी और सभी रहे, जिसका उद्घाटन दंडी स्वामी श्री जोगेंद्र आश्रम जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ। आज कितना यूनिट हुआ? आज हमारे कुल 42 यूनिट रक्तदान हुआ और 45 रजिस्ट्रेशन हुए थे। वहीं चूरू के निकटवर्ती गांव गांगिया सरकी श्री टिबड़ेवाल उच्च माध्यमिक बाल शिक्षण संस्थान विद्यालय में भी आज संस्था प्रधान रामस्वरूप गुर्जर द्वारा पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड की मास्टर हेमराज, विधिक जागरूकता प्रभारी विनोद कुमार बरबड़, वरिष्ठ शिक्षक विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन की पहल पर शुरू हुए नशा मुक्ति अभियान मिशन अगेंस्ट नार्कोटिस्ट सब्सटेंस एब्यूज का आगाज आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय में हुए जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह एवं सेमिनार के साथ हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, SP डी आनंद सहित अतिथियों ने अभियान के लोगो व पोस्टर का विमोचन किया। सेमिनार में नशे के विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर एक नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज की स्थापना पर बल दिया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि समाज में हम सभी देखते आए हैं कि नशे के कारण अनेक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और अच्छे अच्छे परिवार तबाह हो रहे हैं। यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है तो हमें उसे उबरने में उसका सपोर्ट करना चाहिए। इस अवसर पर CEO रामनिवास जाट, ACEO धीरज कुमार सिंह, SDM राहुल सैनी आदि मौजूद थे।
ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक आज रतनगढ़ के पंचायत समिति सभागार में हुई। SDM विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्लॉक की विभिन्न स्कूलों के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान SDM ने स्कूलों में 100% वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए। बैठक के पश्चात नशा मुक्ति सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDM ने बताया कि सप्ताह के अंतर्गत स्कूल व कॉलेज के पास नशे का सामान नहीं बेचने के लिए समझाइश की जाएगी तथा नशा मुक्ति के लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देव किशन मारू के पहली बार राजल देसर आने पर आज मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मारू बीकानेर से जयपुर जाते समय अल्प समय के लिए राजल देसर रुके एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मारू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं व बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ धोखा देकर सत्ता हासिल की है। इस सरकार की विदाई की तैयारी के लिए युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष शीतल प्रकाश खड़ोलिया, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी आदि उपस्थित थे। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की सरकार का जो शासन चल रहा है, जिसमें लगातार पिछले कई भर्तियों में धांधली हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से रीट के जो 16 लाख अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से उन परिवारों के साथ खड़ी है और उनके न्याय के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए सक्रिय है। पिछले काफ़ी समय से हम आंदोलनरत हैं और हमारा कल पूरे प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, तो इस हेतु हम राजल देसर मंडल द्वारा एक अच्छी संख्या के साथ हम जयपुर में विधानसभा घेराव में पहुंचेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष जी के साथ पूरी रणनीति के साथ हम आगे वहां जयपुर घेराव के लिए पहुंचेंगे। जिला मुख्यालय पर आज संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही उन्होंने प्रकरण निस्तारण में लगने वाले औसत समय को कम करने की हिदायत भी दी। इस अवसर पर ADM लोकेश गौतम, CEO रामनिवास जाट, ASP राजेंद्र सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। राष्ट्रीय वंचित लोकमंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन सरवटे का आज कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। मंच के जिला अध्यक्ष गोविंद पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ता जोधपुर में उनके निवास पर मिले तथा माला, शॉल व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सरवटे के आदेश पर जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य शाखा कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष परमेश्वर लाल लोहरा, सफाई प्रकोष्ठ के कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष चंद्रजीत पवार, जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश पवार आदि उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर आज विश्वकर्मा दुपहिया वाहन रैली एवं भव्य झांकी का आयोजन अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र एवं युवा संघ के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान आयोजन के मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद जांगिड़ ने युवाओं को हर संभव उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने को कहा। वहीं विशिष्ट अतिथि राज जांगिड़ ने समाज के लिए राजनीतिक में आने व उद्योग व्यापार में युवा को समाज का उद्धार करने के बारे में कहा। इस अवसर पर सुनील जांगिड़, समारोह अध्यक्ष दलीप जांगिड़, विश्वनाथ जांगिड़ सहित अनेक युवाओं ने रैली में भाग लिया। मैं राज जांगिड़ सर्वप्रथम पूरे भारतवर्ष के लोगों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही चूरू के अंदर अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र युवा संघ की तरफ से जो बाइक रैली निकल रही है, उसके लिए मैं सभी युवाओं का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न जाने कितने सालों से युवाओं ने प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाइक रैली निकालते हैं और इसका प्रचार पूरे देश विदेश में भी होता है कि कैसे किस प्रकार से युवाओं का इतना अच्छा एकता और अखंडता का यहाँ पर परिचय दिया जाता है। मेरी तरफ से चूरू जिले के जितने भी समाज बंधु हैं उन सभी समाज बंधुओं का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कलाकार को यहाँ पर बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री विश्वकर्मा जी।
राजलदेसर की विश्वकर्मा मंदिर में रविवार को विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जागरण का आयोजन रखा गया, जिसमें जागरण कलाकार चीमा बाबा द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं आज प्रातः मंदिर परिसर में पंडित सुधांशु पारिक के सानिध्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मंदिर परिसर से विश्वकर्मा महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा रघुवीर दास की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज रतनगढ़ के वार्ड संख्या 41 स्थित वाल्मीकि बस्ती में भंडारे का आयोजन किया गया। संत शांतिगिरी एवं मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में हुए भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया तथा साधु संतों को दक्षिणा प्रदान की। भंडारे के पश्चात एक माह से उपवास कर रहे मस्तगिरी महाराज ने अन्न ग्रहण किया। इस अवसर पर समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार, जगदीश प्रसाद, गोपाल चावरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत आज दूध के 4 नमूने लिए गए। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने गांव लाछरसर में डेयरी के लिए आपूर्ति हो रहे दूध के 4 नमूने लिए। दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों को रुकवा कर दूध के नमूने लिए गए, साथ ही वाहन मालिकों को खाद्य लाइसेंस बनवाने एवं शुद्ध दूध विक्रय करने के लिए पाबंद किया गया। चूरू के भालेरी रोड स्थित ढाणी मुनीम जी के पास योगिता रेस्टोरेंट का शुभारंभ आज नगर परिषद की प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल व उपभोक्ता होलसेल भंडार के चेयरमैन मोहनलाल गढ़वाल ने फीता काटकर किया। प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल ने कहा कि उच्च गुणवत्ता की वस्तु देने से व्यापारी की अच्छी साख बनती है। रेस्टोरेंट बनने से गांव के लोगों को शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रोफेसर सुल्तान ढाका, सावरमल ढाका, विजयपाल धुआं आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर मालासर टोल के पास आज दो पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों की सहायता से पिकअप सवार लोगों को बाहर निकलवाकर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। चूरू महिला थाने में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित युवती ने बताया कि आरोपी युवक गत वर्ष 21 जुलाई को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। यहां 15-20 दिन अपने गांव रखने के बाद बेंगलुरु ले गया, जहां उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान पीड़िता के अश्लील वीडियो भी बना लिए, जिसको वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने व शादी करने का दबाव बनाया। जी, दूधवा खारा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक व्यक्ति ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया, जिसमें हमने 376 2N 457 और IPC में मामला दर्ज कर 35 शुरू कर दिया। अभी उसका मेडिकल करवाया जा रहा है।